हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राकेश साहब फ्रॉम डॉक्टर राकेश फिजियोथेरेपी क्लिनिक खुटौना। इस वीडियो में जानेंगे 5 बेस्ट स्टैंडिंग एक्सरसाइज फॉर ओरिजिन शोल्डर जॉइंट। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था 5 बेस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर ओरिजिन शोल्डर। अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपका रेंज इंप्रूव हो जाता है, तो आप स्टैंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में बताया जा रहा है। इस एक्सरसाइज से आपके मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ेगा और आपका जॉइंट काफ़ी हेल्दी हो जाएगा। जानते हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए क्या आवश्यकता होगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको रबर की आवश्यकता होगा। जो ये ट्यूब है उसका नाम है ट्यूनिंग ट्यूब। इस एक्सरसाइज को करने के लिए इस ट्यूनिंग ट्यूब को आप किसी भी दरवाजे के हैंडल से फंसा लेंगे और हाथ को 90 डिग्री बैंड करके, एल्बो को 90 डिग्री बैंड करके आप इस तरह से पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद धीरे धीरे अंदर की तरफ लाएंगे। इस एक्सरसाइज को 10 से 15 रिपीटेशन के लिए आप कर सकते हैं। याद रहे कि इस एक्सरसाइज करने के दौरान आपको कंधा में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो इस एक्सरसाइज को वहीं पर रोक देंगे। इस एक्सरसाइज को इंटरनल रोटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वह है एक्सटर्नल रोटेशन। रबर को दरवाजे के हुक में रहने देंगे, हाथ को बाहर के साइड से इस तरह से पकड़ लेंगे, एल्बो को 90 डिग्री बांध रखेंगे और सेम उल्टा डायरेक्शन में हाथ को बाहर की तरफ लेके जाएंगे। ये एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइज है फोर शोल्डर ज्वाइंट के लिए। इस एक्सरसाइज को भी आप 15 से 20 रिपीटेशन बिल्कुल पेन फ्री रेंज में करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको कहते हैं फॉरवर्ड फ्लेक्शन एक्सरसाइज। उसके लिए रबर को पैर के नीचे दबा लेंगे, दबाने के साथ हाथ को सीधी आगे की तरफ ऊपर उठाएंगे, आगे की तरफ ऊपर उठाएंगे। इस एक्सरसाइज को भी पेन फ्री रेंज में करेंगे और जहाँ तक लेके जा सकते हैं वहाँ तक लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे रिलैक्स कर लेंगे। और इस एक्सरसाइज को भी 15 से 20 रिपीटेशन के लिए आप कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वह है शोल्डर अबडक्शन। अबडक्शन एक्सरसाइज के लिए भी पैर के नीचे रबर को दबाएंगे और हाथ को सीधी तरह से साइड वे ऊपर लेके जाएंगे। इस एक्सरसाइज को भी पेन फ्री रेंज में करेंगे और 15 से 20 रिपीटेशन के लिए करेंगे। सभी एक्सरसाइज को दिन में 2 बार रिपीट कर सकते हैं और अपनी हाथ की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पूरी तरह से मजबूत कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो डायगोनल पैटर्न में करेंगे, यानी कि क्रॉस में करेंगे। दूसरे पैर के नीचे रबर को दबाएंगे और जो हमारा अफेक्टेड हैंड है उस हाथ से पकड़ के क्रॉस में लेके जाएंगे, यानी कि जो फ्लेक्शन अबडक्शन की उसके बीच से हाथ को लेकर के ऊपर जाएंगे। इस एक्सरसाइज को भी 15 से 20 रिपीटेशन के लिए करेंगे और अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और अपने जॉइंट को स्वस्थ रखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सकैपुला पुल एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज में इस रबर को इस तरह से फंसा लेंगे। फंसाने के बाद दोनों हाथों से पकड़ के अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे और इस एक्सरसाइज को भी 15 से 20 रिपीटेशन तक करेंगे। दिन में 2 बार करेंगे, पेन फ्री रेंज में करेंगे। इस वीडियो से पहले 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जिसमें पहला वीडियो में कॉजेज एंड स्टेज के बारे में बताया गया, दूसरा वीडियो में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें। सभी एक्सरसाइज को पेन फ्री मोशन में करें। जो भी एक्टिविटी करने में दर्द होता है उसे वहीं पे रोके अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।